जयपुर से खबर, जहां भारतीय संस्कृति के पावन उत्सव चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय नववर्ष नव संवत्सर 2081 प्रारंभ हो रहा है। इसके स्वागत के लिए 11 दिवसीय व नव संवत्सर उत्सव बड़े धूमधाम से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृति युवा संस्था व नव संवत्सर उत्सव समारोह समिति के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि 6 अप्रैल से 17 अप्रैल तक 11 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम व नव संवत्सर उत्सव के रूप में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 6 अप्रैल को नव संवत्सर के स्वागत के लिए 4 सफेद अश्व छोड़े जाएंगे। ये अश्व वास्तु के हिसाब से 8 दिशाओं में, ईशान में खोले के हनुमान जी मंदिर, पूर्व में गलता, आगन्य में गोनेर मंदिर, दक्षिण में सांगा बाबा और नेक्षत्रीय में स्वामी नारायण मंदिर और पश्चिम में हाथोज हनुमान जी और वाव्य में कदम डूंगरी व उत्तर में आमेर के काले हनुमान जी के लिए छोड़े जाएंगे। नौ अप्रैल को नव संवत्सर का प्रारंभ होगा। संस्कृति युवा संस्था पिछले 25 वर्षों से अनवरत नव संवत्सर को एक उत्सव के रूप में आयोजित करती है और उत्सव में सबसे बड़ी बात कि 4 अश्व कल सुबह सुबह गोविंद जी के मंदिर से प्रारंभ होंगे, जिन पर नव संवत्सर मंगलमय हो, नव संवत्सर की हार्दिक बधाई के बैनर लगे होंगे, ढोल नगाड़े होंगे और ये जयपुर शहर के सभी 8 दिशाओं में अश्व जाएंगे। ये सफ़ेद अश्व होंगे और एक ज़माने में राजा लोग अपने राज्य का विस्तार करने के लिए ये काम किया करते थे कि अश्व छोड़े जाते थे। हम नव संवत्सर का प्रचार प्रसार करने के लिए अश्व छोड़ रहे हैं, जो जयपुर शहर के सारे मंदिरों में जाएंगे और लोगों से आग्रह करेंगे कि आप अधिक से अधिक नव संवत्सर के कार्यक्रम में शरीक हों। साथ ही इस बार 8 तारीख के दिन माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी नव संवत्सर का एक पोस्टर जारी करेंगे, जिसको जयपुर शहर के प्रमुख मंदिरों में और सब जगह लगाया जाएगा। साथ ही 9 अप्रैल को सुबह सुबह 9 भोर के अंदर सारे मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजाए जाएंगे और साथ ही 9 दिन तक लगातार पूरे जयपुर के अंदर नव संवत्सर उत्सव को धूमधाम से आयोजित किया जाएगा और इसकी शुरुआत कल सुबह गोविंद जी के मंदिर में 9 बजे प्रारंभ किया जाएगा। टोंक से खबर, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में 24 घंटे पहले अपहरण किए गए स्कूली छात्र